गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आचार्य फार्मेस पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा अपना कंप्लीट कर लेते बेटा, टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नेक्स्ट प्लांट की ओर मूव करते हैं बेटा, फैनरोगेमिस प्लांट में आते हैं। इट मींस वैसे प्लांट जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्लांट पढ़े, चाहे वो थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो, इन सभी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है, हिडन है, यानी कि वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो फ्लावर्स के फॉर्म में एक्सपोज नहीं हुआ है। लेकिन अब जो हम लोग प्लांट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, ये दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक्सपोज रहेगा, बाहर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो दो हायर प्लांट है बेटा, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंट है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीड इनसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनके बाहर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। अब फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो किससे होता है, ओवरी से होता है। ओवरी बॉल जो है वो आगे जाकर के क्या बना देती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। इट मींस अगर यहाँ पर फ्रूट नहीं है, यानी अगर जिम्नोस्पर्मी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इट मींस इनके जो ओव्यूल होंगे ये क्या रहेंगे, ये ओव्यूल एक्सपोज होंगे, इनके बाहर कोई ओवरी बॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा। इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना। मैंने ये पॉइंट को यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन तभी मैं आपको बता दूं कि जिम्नोस्पर्मी प्लांट में जो ओव्यूल है वो क्या रहेगा, वेल एक्सपोज रहेगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी, दोनों कंडीशन में आपको यही देखने को मिलेगा। चलो तो अब एक एक करके पॉइंट को देखना शुरू करते हैं। एज लाइक अबियर क्लासेस, जैसे हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देन उसके हैबिटेट वगैरह पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन और उनके लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। उसी स्टेज को, उसी स्टेप को अपन फिर से आज यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे किसके फॉर्म में, जिम्नोस्पर्मी प्लांट में। अगर मैं बात करूं बेटा तो इंट्रोडक्शन वाले कोर्स में मैंने लिखा है नेकेड सीड प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके सीड के बाहर कोई भी फ्रूट लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होंगे, सीड बिल्कुल क्या होगा, नेकेड होगा। मैंने इंट्रोडक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैं इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन यानी फाइलोजेनेटिक के बेस पर क्लासिफिकेशन जब मैं आपको समझा रहा था प्लांट किंगडम का, तो उस समय भी मैंने इन चीजों को क्या किया था, आपको क्लियर किया था। तो उस वाली क्लास में आपको समझा दिया था कि कैसे नेकेड सीड से उसके बाद सीड इनसाइड द फ्रूट वाले प्लांट भी हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है, नेकेड सीड होगा, फ्रूटलेस प्लांट है। एक्चुअली ये जो प्लांट है वो क्या है, फ्रूटलेस, यानी फ्रूट प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज फ्रूटलेस प्लांट। और प्लांट क्या हो सकता है, तो पेरेनियल हो सकता है, एवरग्रीन हो सकता है, वुडी भी हो सकता है, यानी वुडी भी हो सकता है, एवरग्रीन यानी सदाबहार हो सकता है, पेरेनियल नेचर के भी हो सकते हैं। प्लांट जो है फ्रूटलेस होगा लेकिन पेरेनियल भी हो सकता है, वुडी भी हो सकता है और एवरग्रीन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट नीडल शेप लीफ, मोस्टली यहाँ पर जो शेप होगा बेटा लीफ की वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगी, यानी कोन लाइक ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रेजेंट होगा। मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा अभी जब मैं आप इसके रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पे आपको लेकर के जाऊंगा। तो नीडल शेप लीफ प्रेजेंट होगा, टर्न एज अ सॉफ्ट वुड, इनको और क्या बोला जाता है, सॉफ्ट वुड भी बोला जाता है, वुडी प्लांट है, सॉफ्ट वुड भी है, ऐसे हार्ड वुड भी प्रेजेंट होता है। सेक्वोया जो प्लांट है, सेक्वोया वो इसी के कैटेगरी में आता है, जो आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में याद रखना है, नेकेड सीड प्रेजेंट है, फ्रूटलेस प्लांट है, प्लांट में भी पेरेनियल या वुडी भी हो सकता है या तो एवरग्रीन भी हो सकता है। नीडल शेप लीफ प्रेजेंट होगा, सॉफ्ट वुड भी इन्हें क्या होता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल सर बेटा पाइन, जिसको हम पाइनस भी कह सकते हैं, देवदार एंड साइकस। एग्जाम्पल अपन एनसीईआरटी का ही केवल याद करेंगे, जो एनसीईआरटी ने कवर किया है उन्हीं एग्जाम्पल्स को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल्स हमेशा एनसीईआरटी से बाहर से कभी भी नहीं पूछा जाता है नीट के एग्जामिनेशन में। तो हम बाहर जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, उस रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल्स को आपको याद नहीं रखना है, केवल जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसी एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स है बेटा पाइनस, देवदार और साइकस। रेड वुड ट्री, एक और एग्जाम्पल है बेटा रेड वुड
ट्री जिसको हम सिकोया भी बोलते हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट ऑफ जिम्नोस्पर्मी कैटेगरी। जिम्नोस्पर्मी प्लांट कैटेगरी के सबसे टॉलेस्ट प्लांट में से एक है सिकोया। सकुआ भी जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसकी जो वुड होती है सबसे ज्यादा फर्नीचर की फॉर्मेशन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो डेट्स व्हाई जो है रेडवुड ट्री है ना सिकोया, तो ये भी इसी के अंदर में आता है। यानी रेडवुड ट्री जो सिकोया है ये भी किसके अंदर में आता है, तो ये भी आता है जिम्नोस्पर्मी प्लांट के अंदर। इसके अलावा देवदार, साइकस और पाइनस प्लांट भी इसके एग्जाम्पल्स में से एक है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट होगा, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर दिए। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड आगे भी टर्म्स हम देखने को मिलेंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर वाले पॉइंट पे आते हैं, एक एक करके पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करना, तो यहाँ पर मैंने तीन पार्ट में स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, स्टेम, लीप एंड रूट। क्योंकि अब ये वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट है, अब इनको तो आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो। टेरिडोफाइटा से ही आ गए थे कि उनके पास रूट प्रेजेंट होता है, स्टेम प्रेजेंट होता है, लीफ प्रेजेंट होता है, तो इनके पास भी रूट, स्टेम, लीफ तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड जो पॉइंट एनसीईआरटी ने कवर किया बेटा, उन पॉइंट को हम लोग आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब स्टेम की बात करूं तो स्टेम में क्या बेटा, ब्रांच है, ब्रांच स्टेम होगा जैसे पाइनस, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है साइकस। ब्रांच का मतलब उनमें शाखाएं प्रेजेंट होंगी, ब्रांच निकलेगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अनब्रांच किसका है, साइकस। साइकस एक ऐसा प्लांट है, जिम्नोस्पर्मी प्लांट बेटा, जिनमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती है, एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी साइकस में। आपको एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया गया है, और मैं इसके बाद भी कहता हूं कि आप सभी के पास मोबाइल है, ऑब्वियसली मोबाइल है तभी आप ऑनलाइन वीडियो अटेंड कर रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो मोबाइल में गूगल पे आपको साइकस प्लांट डालना है, सर्च करना है साइकस प्लांट, देवदार प्लांट, सिकोया प्लांट, ऐसे आप सर्च करो ताकि उनकी स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में आ जाए, आप उनको आइडेंटिफाई कर सको। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल तो है नहीं बेटा कि मैं आपको वो प्लांट दिखाऊं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और उन सारे प्लांट को क्या करना है, देखना है। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं उनमें अगर आप चीजों को देख करके समझते हैं तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन सारी चीजों का, चाहे वो पाइनस हो, साइकस हो, इन सबको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है और उनके स्ट्रक्चर को देखना। वैसे एनसीईआरटी ने भी दिया, लेकिन तब भी आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, बहुत सारे प्लांट के वहां पर पिक्चर्स आ जाएंगे, उन पिक्चर्स को आपको क्या करना है, देखना है। तो ब्रांच में क्या होता है, पाइनस, पाइनस जो प्लांट है वो ब्रांच्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें शाखाएं प्रेजेंट होती है, जबकि ये क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है साइकस। अगर मैं लीफ्स की बात करूं तो सिंपल और कंपाउंड बोथ टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट। इस देखो ये सिंपल और कंपाउंड क्या होते हैं, अब सुनना, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे इसके बाद, जब प्लांट किंगडम हम लोग डिस्कस करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा एंजियोस्पर्मी प्लांट, तो हम लोग कहां पर जाएंगे, मॉर्फोलॉजी पे जाएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स सबकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि लीफ कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल लीफ क्या होते हैं, कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, पिनेट, यूनिपिनेट क्या होते हैं, डाइपिनेट्स क्या होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर में बताऊंगा। सिंपल लीफ का मतलब है वन ब्लेड वन लीफ्स, यानी एक एक लीफ, ये लीफ है तो इनमें एक ही ब्लेड है, दैट इज सिंपल लीफ। और अगर ये ब्लेड है इस टाइप के तो ये क्या हो गया बेटा, कंपाउंड लीफ है ना, और इसी को हम पिनेट भी बोलते हैं, इसी को आगे जाकर के क्या बोलेंगे, पिनेट्स भी बोलेंगे। एक पिनेट्स है तो वन पिनेट्स, दो है तो दो पिनेट्स, थ्री, जैसे आप नीम का प्लांट देखोगे तो उनमें लीफ में बीच में क्या होते हैं, आर्चीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहां पर क्या है, पिनेट्स प्रेजेंट है। तो मैं बताऊंगा जब मैं मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपको याद रखना है कि लीफ सिंपल होगा, वन लीफ्स वन ब्लेड, कंपाउंड में ब्लेड्स आर डिवाइडेड, ब्लेड्स क्या होंगे, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। अगर मैं रूट की बात करूं बेटा, तो रूट मोस्टली क्या होते हैं, टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट है उनमें मोस्टली कौन से रूट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो टैप रूट्स से मैंने लिखा है डीप इनटू सॉइल, मतलब ये प्लांट है और ये प्लांट का जो रूट है इसी रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट्स। और इनके बाद जो आ जाते हैं वो कोरोलाइट हो जाते हैं, सेकेंडरी रूट हो जाते हैं, आया समझ में, यानी जो मेन रूट है वो क्या होता है, टैप रूट होता है। तो यहाँ पर क्या है, मोस्टली टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं डीप इनटू सॉइल, जनरली यही प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ कुछ में कोरोलाइट रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, साइकस और पाइनस। तो कोरोलाइट रूट्स क्या होता है, शॉर्ट ब्रांचिंग इरेगुलर, इरेगुलरली इसमें क्या है, ब्रांच लाइक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोरोलाइट रूट है ना। ये भी अपन मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि टैप रूट्स जनरली प्रेजेंट होगा जिम्नोस्पर्म में, लेकिन कुछ कोरोलॉइड रूट भी प्रेजेंट होंगे, इसमें शॉर्ट ब्रांचिंग इरेगुलर, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ साइकस। एग्जांपल यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, साइकस जिसमें कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होते हैं।
साइकस का जो रूट होता है बेटा, वो एसोसिएशन यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है, सिंबायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक पूरा चार्ट भी मैंने याद करवाया था जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें मैंने एक चार्ट बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, सिंबायोटिक क्या होता है। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के साथ सिंबायोटिक एसोसिएशन शो करता है साइकस प्लांट। साइकस प्लांट का रूट और साइनोबैक्टीरिया जो प्रेजेंट है बेटा, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू, एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं सरवाइव करने के लिए। तो यहां पर साइकस एसोसिएशन शो करेगा साइनोबैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और माइकोराइजा में जो प्लांट है बेटा पाइनस प्लांट, वो फंजाई के साथ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। फिलामेंटस फंजाई होते हैं, वो रूट के साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे को जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की नीड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है सिंबायोटिक, तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मैंने आपको चार्ट याद करवाया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपके नोटबुक में वो लिखा रहेगा, लिखा हुआ होगा, उसको एक बार समझिएगा। तो वीडियो भी अवेलेबल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, उस वीडियोस को आप जाकर के देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंबायोटिक एसोसिएशन क्या है। तो सिंबायोटिक एसोसिएशन में साइकस जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ कैरोलॉइड रूट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जबकि जो पाइनस प्लांट है बेटा वो माइकोराइजा यानी कि फंजाई के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं, और वहां पर सिंबायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ये तो हो गया आपका रूट, स्टेम और लीफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट बेटा। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पे आपके लिखा, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उन पॉइंट को आज क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, तो ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, इट्स रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि नेकेड सीड है, यानी कि इनके बाहर कोई फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, तो इनके जो ओव्यूल, जो देखो सीड कौन बनाता है, ओव्यूल, सीड का फॉर्मेशन कौन करते हैं, ओव्यूल करते हैं, और फ्रूट का फॉर्मेशन कौन करता है, ओवरी करता है ना। आपको 12th में पढ़ना है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना। तो अभी आपको याद रखना है कि फ्रूट आगे जाकर के जो ओवरी होता है बेटा, आगे जाकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, और जो ओव्यूल है आगे जाकर के सीड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर सीड केवल प्रेजेंट है, बाहर कोई फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, इट मींस यहाँ पर ओवरी बॉल भी प्रेजेंट नहीं होगा, ओव्यूल केवल प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल एक्सपोज रहेंगे हमेशा, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद हो। सेकेंड है, इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। पीनेट्स जो होते हैं बेटा साइकस प्लांट्स के, लंबे समय तक बने रहते हैं, मतलब वो हार्ड वुडी टाइप का नेचर का होता है, दैट्स व्हाई वो लंबे समय तक क्या होते हैं बेटा, वो बने रहते हैं फ्यू इयर्स के लिए, वो क्या करते हैं, बने रहते हैं। तो ये एक पॉइंट दिया गया है। थर्ड है बेटा, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो लीव्स होते हैं बेटा ये इतने हार्ड होते हैं कि जो हवाएं जो आती है, समान के चलो कोई लीफ है, कोई प्लांट है, तो लीफ क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, लेकिन इनके लीफ क्या होते हैं, एक्सट्रीम विंड या एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी या एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं, अपने आप को वहां पर सेफ रखते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है जो जिम्नोस्पर्म के पास यूनिक प्रॉपर्टी में से एक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ थिक क्यूटिकल एंड साइकिन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब देखो प्लांट जो है, मैंने आपको बताया था 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि प्लांट जो है वो सॉइल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। 100% में से वाटर जो होता है बेटा, अप्रोक्स 98-99% जो वाटर है वो क्या कर लेता है, प्लांट लॉस्ट करता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना। वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा और लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। आपने पढ़ा होगा इस प्रोसेस को, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो लीफ है, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर में, वो क्या करते हैं, वाटर को लॉस्ट कर देते हैं, और 1-2% अप्रोक्स वो जो प्लांट है बेटा वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को क्या कर पाता है, यूज कर पाता है। अब यहां पर क्या है कि लीफ के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, और स्टोमेटा संकीर्ण नेचर क्या है, दैट्स व्हाई अगर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है तो ज्यादा स्टोमेटा की ओपनिंग नहीं होगी, जिसके कारण वाटर लॉस्ट भी क्या होगा,
कम होगा और वाटर लॉस्ट, दैट्स व्हाई यहां पर वाटर लॉस्ट कम होगा, दैट्स व्हाई प्लांट के पास जो अंदर जो वाटर की इनसफिशिएंसी होने वाली है वो देखने को नहीं मिलेगी ड्रास्टिक चेंजेस के बावजूद भी। तो यहां पर यही है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकीर्ण नेचर के होते हैं और इनके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है जिसके कारण वाटर की लॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन, इनके एग्जांपल्स और इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आज वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया बेटा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनके लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इनके सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। आज हम लोगों ने इस पॉइंट को क्लियर कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेंडर।